प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे सूर्य कैसा प्रभाव देते हैं। अभी तक मैंने आपको इसके पूर्व लग्न में सभी ग्रहों का प्रभाव बताया है और साथ में किन क्षेत्रों से आपको धन आगमन होगा इसकी वीडियो भी दी है। अब द्वितीय भाव में बैठा ग्रह आपको किन क्षेत्रों से धन का आगमन करवाएगा और साथ में आप पर आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे धन को जो हमने स्वयं अर्जित किया हो ऐसे धन को बताता है, हमारे घर परिवार कुटुंब को बताता है, हमारी वाणी हमारा खान पान और अगर शरीर में देखे तो हमारा जो चेहरा होता है उसका प्रतिनिधित्व द्वितीय भाव करता है और उसी में हमारा मुख जहां से हम बोलते हैं वह भी आ जाता है। तो इसीलिए ये कुंडली का द्वितीय भाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और इस भाव में जब ग्रहों के राजा सूर्य बैठेंगे तो ये कैसा प्रभाव देंगे आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर देखें तो कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे सूर्य ये बताते हैं कि आपका जो जन्म है ये सूर्योदय के पहले हुआ है, यानी लगभग आप मान सकते हैं 4 बजे से 6 बजे के बीच में, यानी ऐसा समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उस समय आपका जन्म हुआ है। और ब्रह्म मुहूर्त में जिसका जन्म हो ऐसा व्यक्ति स्वयं सात्विक होता है और साथ में ऐसा व्यक्ति ये भी देखने को मिलता है कि भाग्यशाली होता है, ईश्वर का इसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली क्यों होता है, इसके भाग्यशाली होने के पीछे यही बात है कि इसका जन्म ऐसे समय पर होता है क्योंकि जो सुबह का समय होता है जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ये बहुत ही दिव्य समय होता है और इस समय पर जन्म होना व्यक्ति की सफलता को सुनिश्चित करता है। इसके बाद यही सूर्य व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और इसका भाग्य इसके जन्म होते ही नजर आता है। किस प्रकार, अगर आपके द्वितीय भाव में सूर्य है तो आपने देखा होगा कि आपके जन्म होते ही पिता का भी भाग्योदय हुआ होगा, यानी जिनके द्वितीय भाव में सूर्य है उनके जन्म होते ही पिता का भी भाग्योदय होता है और पिता को भी उनके जन्म के बाद तरक्की प्राप्त होती है, फिर वो लड़का हो या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आप भी स्वयं भाग्यशाली होते हैं और भाग्य के बल पर आपको जीवन में जो कठिनाई आनी चाहिए उनसे मुक्ति मिलती है, ईश्वर का साथ बना रहता है, इसीलिए आप सभी प्रकार की परेशानियों से बच करके निकल जाते हैं। इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि जिनके द्वितीय भाव में सूर्य हो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं और धन आदि से ये परिपूर्ण होते हैं, धन की कमी इन्हें नहीं सताती। और एक और बात आती है इसमें कि निश्चित ही ऐसे व्यक्ति धनवान तो होते हैं लेकिन थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन धन का गलत मार्गों पर खर्च करना ये नहीं चाहते हैं। ये स्वयं के सुखों में तो खर्च करते ही है लेकिन दूसरों की सेवा में दूसरों की भलाई में अपने धन का व्यय करते हैं, धन का दान करना इन्हें विशेष पसंद होता है और इसीलिए इनका ये बात देखने को मिलती है कि अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जितना अधिक धन खर्च किया जाए उतना अधिक धन बढ़ता चला जाता है और ये सूर्य इस तरह का गुण भी विशेष रूप से बढ़ा देते हैं, इसीलिए धन की कमी ये सूर्य नहीं होने देते। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास मजबूत मात्रा में देखने को मिलेगा और अपने आत्मविश्वास के स्वभाव से ही कहीं पर भी बैठे किसी के बीच में भी बैठे जो अपनी बात है पूरी सटीकता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ रखते हैं और अपनी प्रखर वाणी से ही ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं क्योंकि इनके स्वभाव में सत्यवक्ता होने का गुण देखने को मिलता है। जहां पर भी बैठेंगे बड़े लोग हो छोटे लोग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई बात सच है इन्हें पता है तो ये बोले बिना नहीं रहेंगे और अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से कहेंगे जिससे सब इनकी बात मानेंगे भी और जो लोग शत्रुता करेंगे वो इनकी वाणी से ही परास्त हो जाएंगे क्योंकि बोलने में थोड़े तेज होते हैं। कई बार सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य जलाने का कार्य करते हैं तो सूर्य का प्रभाव
थोड़ी कड़वी वाणी का प्रयोग करने वाला बना देता है, लेकिन फिर भी ये किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं, बस जो बात सच है वो सच ही कह करके रहते हैं। लेकिन इनके इस स्वभाव से भी अन्य को परेशानी होती है। अन्य को इनकी बातें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी एक और बात इसमें आती है कि ये भाग्यशाली होते हैं, सब प्रकार से परिपूर्ण होते हैं। तो इसमें जब भी ये अपनी बातें करते हैं या किसी के लिए कुछ भी करते हैं, तो इनके उस कार्य को इनके अहंकार के रूप में देखा जाता है। अन्य लोग इनको अहंकारी समझते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी अन्य लोग इनको अहंकारी और घमंडी समझते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो जिनके द्वितीय भाव में सूर्य हो, तो ये अहंकार से रहित होकर दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और दूसरों के भलाई के लिए ही विचार करते रहते हैं, तो ये सब गुण अच्छे होते हैं। लेकिन अन्य लोग इनका सहयोग नहीं करते। साथ रहने वाले भी इनकी बातों से बुरा मान जाते हैं या इनके कहे गए सत्य वचन से वो आहत होकर के इनसे दूर हट जाते हैं। इसलिए कई बार जो मित्रों की संख्या होती है वो भी सीमित ही देखने को मिलती है। और इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव हमारे कुटुंब को बताता है। तो कुटुंब में भी लगभग यही स्थिति होती है। ये जहां अपने घर परिवार में अपनी जो भी बात सच कहेंगे उससे अन्य लोग बुरा मान जाएंगे। और कई बार इसी के कारण ये भी देखने को मिलता है कि जब द्वितीय भाव में सूर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब से दूर रहकर जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त होती है। और कुटुंब से जो सहयोग मिलना चाहिए, जो साथ मिलना चाहिए, कई बार उसमें कमी रहती है, क्योंकि सूर्य जहां पर भी बैठेंगे उसे जलाने का कार्य करेंगे। तो द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का है, तो वहां पर आपसी मतभेद होना, झगड़े विवाद होना, ये बात प्रायः देखने को मिलती है। और किसी पुरुष के लिए बात करें तो द्वितीय भाव में सूर्य एक और कार्य करवाता है कि ये संतान से और साथ ही साथ अपनी जो उसकी जातक की पत्नी होती है उस पत्नी से भी विवाद करवाता है, और उससे भी कई बार तालमेल में कमी देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी परेशानी रहती है द्वितीय के सूर्य से, लेकिन भौतिक जीवन के लिए अच्छा होता है। भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए आप इस सूर्य को अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन बात पारिवारिक जीवन की करेंगे तो वहां पर इस सूर्य का प्रभाव कमजोर होता है। वैसे स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें यह सूर्य थोड़ी नमी या थोड़ी कमजोरी बनाता है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठ करके यह मुख से संबंधित कोई न कोई रोग देता ही रहता है। अब जैसे मुंह में छाले हो जाना, मसूड़ों में दर्द हो जाना, दांतों में कोई परेशानी होना, यह सामान्यतः देखने को आती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव आंखों को भी बताता है। तो आंखों में फिर कई बार अगर सूर्य के साथ चंद्रमा कमजोर हो जाए, तो चंद्रमा के कमजोर हो जाने से आंखों में परेशानी बढ़ जाती है, और शुक्र भी कमजोर हो जाए तो जल्दी ही चश्मा लग जाता है। तो ये थोड़ी सूर्य की कमजोरी होती है, लेकिन अन्य सभी क्षेत्र यहाँ अच्छे होते हैं। जातक स्वयं भाग्यशाली होता है और अपने भाग्य से धन अर्जित करता है। वैसे सूर्य के क्षेत्र में देखे, सूर्य द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने पिता से धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति पिता के साथ जुड़कर के कार्य कर सकता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ, सरकार से धन की प्राप्ति होना, ये सब द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने से संभव हो जाता है। और इस सूर्य का अगर नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा है, तो जितनी भी मैंने अच्छी बातें आपको कही वो सब समाप्त हो जाएंगी। जैसे समझ लीजिए यहीं पर सूर्य नीच राशि में बैठे है या किसी प्रकार से कमजोर अवस्था में बैठे है, तो उनका अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके साथ में अगर आप देखते हैं कि सूर्य तो अच्छी अवस्था में बैठे हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप पिता का या अन्य बड़े लोगों का अपमान कर रहे हैं, मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, मद्यपान का सेवन कर रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं, गलत मार्ग से धन कमा रहे हैं, तो ये सब स्थिति आपके सूर्य को कमजोर करेगी। और इसके साथ में अगर सुबह भी आप देर तक सोते हैं, देर से उठते हैं सुबह, तो ये भी आपके सूर्य को कमजोर करेगा। और ऐसा कोई भी किया गया कार्य आपके सूर्य को कमजोर करने के साथ आपके आत्मविश्वास को गिराएगा, भाग्य में कमी करेगा और धन के लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। फिर धन बचेगा भी नहीं और विभिन्न प्रकार की परेशानी जीवन पर्यंत चलती रहेगी। तो सूर्य का अच्छा प्रभाव चाहिए तो नियम, अनुशासन और ईमानदारी से कार्य करे, सत्य का मार्ग है उस पर चले, और कोशिश करे कि बड़े लोगों का, अन्य लोगों का आप सम्मान कर सके।
ये थोड़ी रूटीन बना लीजिए, फिर आपको निश्चित ही इस सूर्य का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव के सूर्य व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करते हैं और आपकी कुंडली में है तो निश्चित ही आप इसका प्रभाव देख पा रहे होंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।